मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। चले तो फाइनली डीवी का जो लिस्ट आना था आईटीआई इंस्ट्रक्टर बिहार के लिए डिग्री और डिप्लोमा बेस्ड पे, तो कितना कटअप गया है और कब से डीवी स्टार्ट है, पूरा एकदम दोनों नोटिस अभी जारी कर दिया गया। तो चलिए एक एक देखते हैं कैसे हम लोग को देखना है। आपको सिंपली यहाँ पर पहले आ जाना है BTSC की वेबसाइट पर, उसके बाद आप यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रोल करेंगे। और ये बात याद है कि इस बार का जो कट ऑफ है वो डिग्री वालों का काफ़ी थोड़ा सा हाई चला गया है, मतलब आईटीआई में जितना कम गया था यहाँ थोड़ा ज़्यादा चला गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में, तो यहाँ देखिए यहाँ पे ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी अगर जाएंगे इम्पोर्टेंट नोटिस में शायद, हाँ तो यहाँ देखिए जैसे आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे दो किया गया अपलोड, याद रखिए एक ये और एक ये, एक में कट ऑफ है और एक में कब से डीवी स्टार्ट है उसका प्रोसेस को पूरा अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, मतलब दो चरणों में यहाँ पे आपको, मतलब दो नोटिस के माध्यम से आप लोग को बताया गया है। यहाँ पे अभी बता रहे कि व्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट हेयर, लेकिन अभी इसको छू रहा है तो अभी कुछ ऐसा लिंक खुल नहीं रहा, मतलब अभी इस पर अपलोड किया जा रहा होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ करते हैं बात हम लोग, जैसे हम यहाँ पे पहला वाला खोलते हैं, नोटिस डाउनलोड करते हैं। ठीक है, देखते पहले कि आपका कट ऑफ कितना गया। सबसे मेन देखिए ये जो नोटिस है आगे खुल के, ये देखिए आज का डेट का यहाँ पे है। ठीक है, देखिए आयोग के पत्रांक संख्या इतना इतना 11/9/24 द्वारा व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों पर डिग्री डिप्लोमा योग्यताधारी अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों हेतु विस्तृत दिशा निर्देश सहित आवश्यक सूचना प्रकाशित की गई है, जिसमें दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची विज्ञापनवार एप्लीकेशन नंबर के अनुसार तिथिवार पालीवार अलग अलग से प्रकाशित कर दिया गया। ठीक है, वो मतलब वहाँ पे दिया गया लेकिन अभी खुल नहीं रहा है। ठीक है, वो कुछ देर में खुल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ देखिए ग्रुप जो वन था, ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर जो जनरल का जो गया है कट ऑफ वो 62 नंबर गया है, मतलब कि, और जो महिलाएं था उनका मात्र 29 नंबर गया है। इसी तरह से यहाँ देखिए कोई महिला अभ्यर्थी या नहीं है लेकिन इधर में थोड़ा सा गया है। ठीक है, मेन है कि जो बाहर के जो हमारे भाई थे, मतलब कि जो जनरल का जो होना चाहिए था वो कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर चला गया है। जैसे यहाँ देखिए 39 में यहाँ पे 48 नंबर गया है आपका ग्रुप टू में, यहाँ फिर देखिए ऐसे अगर 3-4 सब में है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें गया है 46 नंबर, इसमें गया है 64 नंबर, 44 नंबर, 46 नंबर, 40 नंबर, जनरल का बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ मेन यहाँ पे एक है ग्रुप 9, यहाँ देखिए यहाँ जनरल का गया हुआ है 64 नंबर, मायने रखता है। ठीक है, कैटेगरी में गया है कम फीमेल का। ठीक है, और कहीं कहीं पे कुछ थोड़ा सा भी गया है। ठीक है, थोड़ा सा गया है ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल ये देखा जाए तो मतलब कट ऑफ आईटीआई के मुकाबले में थोड़ा सा हाई गया है। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे एक है ये हमारा ग्रुप 10 है इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे गया है 60 नंबर गया है कट ऑफ 60 नंबर, थोड़ा सा हाई है। आईटीआई में तो सभी पास थे जो सबको बुला लिया गया था, डिप्लोमा थोड़ा गया हाई। यहाँ पे कैटेगरी में थोड़ा सा गया है कि हम 35, 31, 41, 44, 32, 30, 34। ठीक है, कैटेगरी में थोड़ा गया है कम, बाकी उधर में थोड़ा सा हाई चला गया है। और यहाँ देखिए ग्रुप 11 का गया है 37 नंबर कम है। ठीक है, ग्रुप 12 का गया है 40 नंबर मेन, एक ग्रुप 15 का देखते हैं हम लोग। चलिए ग्रुप 15 में काफ़ी कैंडिडेट थे, ग्रुप 15 गया है 53 नंबर 53, इसमें क्योंकि सीट की संख्या काफ़ी ज़्यादा था इसलिए थोड़ा सा जो कटअप थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, सीट की संख्या पे कटअप थोड़ा सा कम गया है, 53 नंबर गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बताया गया है, अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि आयोग के पत्रांक 2027 दिनांक 11/9/24 में दिए गए विस्तृत दिशा निर्देश के आलोक में दस्तावेज सत्यापन का कार्य करना सुनिश्चित करेंगे, विज्ञापन संख्या ये बताया गया। ठीक है, और आपको हम दिखा देते हैं एक बार कट ऑफ, तो यहाँ से हम लोग सिंपली बैक करेंगे और यहाँ पहला वाला जो PDF है इसको हम लोग खोलेंगे कट ऑफ वाला, ये सॉरी हो गया कट ऑफ देख लिए। अब कब से आपका स्टार्ट, उसके लिए दूसरा PDF का डाउनलोड को करेंगे क्लिक, उसके बाद यहाँ देखिए खोल लेंगे यहाँ पे हम। देखिए
ये भी आज के डेट में अपलोड किया गया है, ठीक है, डिग्री डिप्लोमा योग्यताधारी के लिए, ठीक है। यहाँ श्रम संसाधन विभाग पटना के अंतर्गत करके यहाँ सब बताया गया है। यहाँ मेन देखिए 38, 23, 52, 23 यहाँ पे वो जो नोटिफिकेशन नंबर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 18, 9, 24 यानी कि आपका 16 तारीख शायद मंडे पड़ो 17, 18 से आप लोग का जो डीबी है वो स्टार्ट कर दिया गया, 28 तक जाएगा, मतलब 10 दिनों तक आपका डीबी चलेगा दो पालियों में, ठीक है, एक 10 बजे से 1:30 बजे तक, एक 2:30 बजे से शाम 6 बजे तक, ठीक है। वो कब किसका रहेगा वो वेबसाइट पर अभी प्रकाशित कुछ देर में कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका डीबी होना है, ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्या क्या ले कर जाना है वो सब बताया गया। आप अपना डीबी का एडमिट कार्ड लॉगिन करके चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे अथवा अपना एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, और रजिस्टर मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है, प्राप्त ओटीपी के माध्यम से, ठीक है, ऐसे ही करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे मेन जो बताया गया है, देखिए विज्ञापन ग्रुप के अंतर्गत एक से अधिक पद होने एवं कतिपय अभ्यर्थियों को एक से अधिक विज्ञापन के अंतर्गत मेगा सूची में होने के फलस्वरूप विज्ञापन के शर्तों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को अंतिम चयन हेतु पदों का प्राथमिकता का विकल्प लिया जाना है, ठीक है। कॉल लेटर जनरेट करने हेतु सभी अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम दस्तावेज सत्यापन के आमंत्रित विज्ञापन ग्रुप के अंतर्गत उपलब्ध सभी पदों की प्राथमिकता के अनुसार घटते क्रम में विकल्प के रूप में चिन्हित करना अनिवार्य है, वहां पे आपको करवाया जाएगा, ठीक है। दत्तोपरांत कॉल लेटर विकल्प प्राथमिक पत्र सहित जनरेट किया जा सकेगा। अच्छा अच्छा समझिए बात को, क्या करना है आपको, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले आपको अपना वहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करना होगा सीरियल वाइज। तो आप जैसे ही कर लेंगे, ठीक है, आप अपना सेलेक्ट वहाँ पे ग्रुप, तो या तो एक करना रहेगा या तो जब अभी खुल जाएगा आपको एक बार क्लियर करके अच्छे से कर देंगे, ठीक है। जब वो आप कर लेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको चूज आएगा कि आप किसको पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं। आप जिसको भी देंगे उसी से आपका जो है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, उसी से आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। विकल्प प्राथमिकता पत्र सहित जनरेट किया जा सके, ठीक है। अभ्यर्थियों को निर्देश है कि पदों के विकल्प प्राथमिकता का चयन ध्यानपूर्वक करेंगे। पूर्ण रूप से भरे गए पदों को विकल्प प्राथमिकता को मात्र एक बार ही परिवर्तन करने की अनुमति होगी। जैसे आप एक बार पूरा भर लेंगे जो भी आप आपका है ट्रेड संभव सीरियल वाइज, तो बस आप एक बार उसको चेंज कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते हैं। तत्पर्यंत अंतिम रूप से भरे गए पदों के विकल्प प्राथमिकता में किसी बदलाव हेतु किसी प्रकार के अनुरोध कोई विचार नहीं किया जाएगा। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई कुछ और सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि कोई अगर किसी ट्रेड का कट ऑफ गया हुआ है 60 नंबर, अगर उस ट्रेड के जो भी अभ्यर्थी अगर वो अपना किसी और ट्रेड को प्रेफरेंस डाल लेते हैं, ठीक है, जिसका गया है कम, तो हो सकता है कि जिसका 60 गया है उसको भी बाद में डीबी के लिए बुला लिया जाए, क्योंकि वहाँ से बच्चे खाली होंगे तो आप लोग को जो है वो कट ऑफ गिर सकता है, ठीक, अभी भी चांस है। कॉल लेटर के बिना दस्तावेज सत्यापन हेतु आयोग परिसर में अनुमति नहीं दी जाएगी। आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने एप्लीकेशन नंबर के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर विज्ञापन में वर्णित एवं आवेदन पत्र के साथ संकलन सभी प्रमाण पत्रों का अभी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना है, और आवेदन पत्र की डाउनलोड प्रति ते सत्यापन हेतु सभी प्रमाण पत्र का मूल प्रति के साथ उपस्थित रहेंगे वहाँ पर, ठीक है। दस्तावेज सत्यापन में आने वाले अभ्यर्थियों को निर्देश है कि निम्नलिखित दिशा निर्देश अनुपालन करेंगे। ये आपको चाहिए वहाँ पर डॉक्यूमेंट, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित प्रविष्टियों के अनुसार आपको सबको 2 सेट लेके जाना है जेरोक्स, ठीक है। कौन कौन सा आपको, आपका मैट्रिक का चाहिए, आपका रेसिडेंशियल चाहिए, आपका फोटोयुक्त पहचान पत्र चाहिए, ठीक है, 3 चीज़ आपको हो गया चाहिए यहाँ पे। उसके बाद आपका जो भी शैक्षिक योग्यता है 3 साल का आपका पॉलिटेक्निक या 4 साल वाला बीटेक, उसको आप वहाँ पे लेके जाएंगे, ठीक है। आपको हर सेमेस्टर और या फिर ईयर का मार्कशीट चाहिए, और आपको अगर CGPA है तो उसका जो कन्वर्जन जो होगा जो भी बोर्ड मानता होगा उसका एक प्रूफ चाहिए, और आपका जो AICTE से मान्यता प्राप्त था उसका भी एक प्रूफ चाहिए, ठीक है। और देखिए आप संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग में 1 वर्ष से प्रमाण अगर आपके पास में CTI है तो देंगे, ठीक है। अनिवार्य आपको ये
अनिवार्य अनुभव, अगर आप पॉलिटेक्निक है तो 2 साल बीटेक है तो 1 साल वो आपको चाहिए। आरक्षण का दावा संबंधित प्रमाण पत्र चाहिए, अगर आप आरक्षण में है तो ठीक है, मतलब आपका सर्टिफिकेट चाहिए। कार्य अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र चाहिए, यानी कि आपका एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, मतलब कि वो कार्य अनुभव जो कि मतलब जो कि ये बोलते हैं कि हमको मतलब हम यहाँ पे मतलब वो संविदा वाले कार्य अनुभव आपको अब अपना जो है एक्सपीरियंस बहुत चाहिए ही, ठीक है। दिव्यांगता अगर आप होंगे तो, नहीं है तो कोई वो चाहिए नहीं, ठीक है। और 10 नंबर भी हो गया आपका, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म जो भरे थे वो चाहिए होगा, ऑनलाइन फॉर्म की प्रति, ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए फोटोग्राफ का 5 फोटोकॉपी मतलब 5 कॉपी, CBTA का आपका एडमिट कार्ड चाहिए, ठीक है, आपका स्कोर कार्ड चाहिए और विकल्प प्राथमिकता जो आप अभी भरेंगे वहाँ पे वो चाहिए, ठीक है। ये सब जब आपके पास में हो जाएगा, ठीक है, देखिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अंक पत्र अनिवार्य रूप से प्रमाण पत्रों दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत नहीं करने पर आपको जो है वो डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और 1 में अंकित शैक्षणिक में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित स्ट्रीम में 4 वर्षीय इंजीनियरिंग का प्रमाण पत्र या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में 3 वर्ष का इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक चाहिए आपको, ठीक है, प्रमाण पत्र या इससे इतर शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्तियों को 11 संख्या में अंकित, ठीक है। और विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य अनुभव के अंतर्गत कार्य विधि की गणना यानी कि वो 23 तक ही किया जाएगा, वो यहाँ बताया जा रहा है कि कब तक आपका एक्सपीरियंस जो है काउंट किया जाएगा, ठीक है। बस वही सा आपको कौन सा कहाँ सही है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप एक बार अभी एको अगर होगा तो इसका एक डिटेल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। चलिए तब तक बस यही एक अच्छा न्यूज़ था कि आप लोग का जो है वो DV हो का नोटिस आ गया है, 18 तारीख से आप लोग DV स्टार्ट होना है। कभी भी जो वो DV का जो लिस्ट है कब होना है वो सबका एक साथ अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आपको अपना एडमिट कार्ड वहाँ से लॉगिन करके डाउनलोड कर लेना है और अपना प्रिफ्रेंस वहाँ पे डाल देना है, ठीक है। याद रखें आप प्रिफ्रेंस मात्र एक बार करने के बाद एक ही बार उसको आप चेंज कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते, ठीक है। तो काफ़ी ध्यानपूर्वक करेंगे, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको इससे कुछ अगर इन्फॉर्मेशन मिला होगा तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।